क्योंकि कंपटीशन बहुत है आजकल जॉब में। कंपटीशन क्या, पढ़ के जाना चाहिए है ना, निकल जाओ। और इतनी प्रेपरेशन नहीं हुई अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं। देखो पूरा फ्लाईओवर बना रहे हैं इधर, वाली एडमिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मिलते हैं दानिश भाई, नई चीज। तो चलो देखते हैं क्या मंगाया है हमने। आप सब बहुत बढ़िया हो गया, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आप सबको जैसे कि पता है लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि CCHSL का फॉर्म भरा हुआ, तो आज है उसका एग्जाम। तो मैं इतने दिनों से बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए, थोड़ी बहुत प्रेपरेशन किए, मतलब सीधे बता रहा हूँ, मैंने थोड़ी बहुत प्रेपरेशन की, कुछ इतनी खास वाली भी नहीं की भाई निकाल ही देंगे इस बार, थोड़ी बहुत की है उसके भरोसे जा रहा हूँ मैं। इस साल नहीं हो पाई मेरे से इतनी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम का फॉर्म भरा है। तो होपफुली कि निकल जाए जितनी प्रेपरेशन की, नहीं निकलेगा तो इस बार और प्रेपरेशन करेंगे, अगले साल देंगे, फिर अगले साल निकाल के रहेंगे, फाड़ के रहेंगे, मतलब समझ रहे हो ना। और आधे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि तो यूट्यूब वीडियोस बनाता है क्यों, कर रहा है, नहीं चलता भाई अभी, जब तक कुछ तो ढूंढना ही है ना आगे भविष्य में, कुछ तो करना ही है। बेरोजगार आजकल कितने लिए बेरोजगार छपरी भिख मंगे चोरी उड़ना ना। कोई बात नहीं, अभी आज जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है हमारे वो है शाम के 4 बजे की, तो अभी जैसे कि 10-11 बज रहे हैं, तो अभी थोड़े बहुत और मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। एडमिट कार्ड भी अभी तक मैंने प्रिंट नहीं करवाया, वो भी प्रिंट करवा के लाना। और जो इन्होंने सेंटर बनाया वो कम से कम भाई शाम के टाइम पर बनाया हुआ है, और यहाँ से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जाने का तो ठीक है, लेकिन आते टाइम पर हमें कुछ मिले या ना मिले मेट्रोडोर या तो कुछ रिक्शा रुक्शा, तो भाई मैं तो खज्जल हो जाऊँगा, 4-5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। चलो वो सब बात की बात है, अभी सबसे पहले हम करते हैं प्रेपरेशन, थोड़े बहुत मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, सेकेंड हमें एडमिट कार्ड निकलाना है, थर्ड तैयार होना है, तो ये सारे काम है हमारे। तो चलो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। मतलब फुल तैयार हो चुके हैं एग्ज़ाम देने जाने के लिए, और इतनी प्रेपरेशन नहीं हुई अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। 3 बजे के 4 बजे वहाँ पे पहुँचना है, चलो निकलते हैं। पहला काम तो हमारा ये है कि सबसे पहले चल के एक एडमिट कार्ड निकलवाना है, तो अभी चल रहे हैं वहीं पे। एडमिट कार्ड अभी निकलवाया ही नहीं है, अभी आज एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और भाई अभी फाइनली जहाँ पर हमने एडमिट कार्ड निकलवाना था, उस दुकान के भैया का प्रिंटर ही ख़राब निकला, तो अभी एडमिट कार्ड निकला नहीं है। तो वो मैं सोच रहा हूँ कालू चक जाते जाते जहाँ पर मेट्रो रोड उतारेगी वहाँ पर कोई रास्ता देख के वहाँ पे निकलवा लेंगे अपना एडमिट कार्ड। तो अभी मेट्रोडोर में चलते हैं, क्योंकि 50 मिनट ही हैं, 4 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, तो कोई नहीं पहुँच जाएंगे टाइम से। तो अभी निकलवा लिया एडमिट कार्ड, यहाँ पे हमें मिलते हैं दानिश भाई। 2000 years later. 1.5 घंटा लग जाता है हमें एग्जाम देने में, 1.5 घंटे बाद हम आते हैं और भाई को बाय बाय बोलते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि हम काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। पहले कोल्ड ड्रिंक दे दो, माजा दे दो। प्यारी समझ गई। चलो भाई माजा ले ली, एग्जाम खत्म हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। ये देखो पूरा फ्लाईओवर बना रहे हैं इधर, पूरी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। देखो वन करे कोई मेट्रो रोड मिल जाए, यहाँ से मेट्रो रोड मिलने का चांस कम है। जैसे ही बोला मेट्रो रोड नहीं मिल रही, उसी टाइम मेट्रो रोड मिल गई, मतलब भगवान की भी कृपा थी। पर इस टाइम पे मेट्रो रोड पे रश बहुत होता है, क्योंकि लास्ट टाइम होता है, सब लोग जा ही रहे होते हैं। मिल गई ना, बहुत अच्छी बात है, मतलब नहीं तो क्या पता वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने से लथपथ हो गया हूँ, घर जाके नहाऊंगा, फिर जाके थोड़ी एनर्जी वापस आएगी, जो थक गया हूँ मैं पूरा। तो गाइस नेक्स्ट डे सेम वीडियो, तो अभी जैसे कि मैं एग्जाम तो दे आया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा थक गया था, मतलब मेरे टांगों में पता नहीं क्यों दर्द होने लगा था। एग्जाम के बारे में बात कर लेते, तो मतलब जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी आया हुआ था, है ना मोबाइल, कैसे पता आपने दिए थी झूठ बोल। तो मतलब जो एग्ज़ाम था ना वो बहुत ज़्यादा ईजी आया हुआ था, मतलब नॉर्मल लेवल का था, मतलब 1 घंटा टाइम कम था, टाइम मैं मानता हूँ कम था, लेकिन अगर प्रॉपर और थोड़ी मैं प्रैक्टिस करके जाऊँगा तो अगले साल क्लियर कर दूंगा ऐसे। जहाँ तक जो डिफिकल्ट था ना, थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं कह सकता, टाइम टेकिंग वाला पोर्शन जो था वो था रीजनिंग का, और वो बार वाली जो डायग्राम आई थी उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें 1 घंटा कम पड़ गया, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ी और स्पीड बनानी पड़ेगी। हर एग्ज़ाम में ये चीज़ आती जाती है, तो अगर इसमें निकाल डाला तो आगे हो जाएगी लाइफ झींगा लाला,
तो हाँ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अगले साल फिर देंगे। अगले साल देखना, निकाल के रहूँगा। मुझे पता है इस बार ना मैंने 57 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो अगर सारे ठीक भी हो जाए तो 114 मार्क्स बनेंगे और इसका कट ऑफ 120 का जाता है। पिछले साल 120 गया था, तो इस बार अगर कट ऑफ ठीक ठाक निकला तो शायद मैं क्लियर कर जाऊँ। नहीं निकला तो कोई बात नहीं, अगले साल ऑर्गेनाइज करके प्रैक्टिस करके देंगे और अगले साल निकाल देंगे, है ना कोमल? आप भी चलोगे मेरे साथ, ठीक है? मजा आता है, कोमल को भी दिलवाएंगे, है ना? आप कौन सा एग्जाम दे सकते हो, पहले फर्स्ट सेकंड का तो दे दो। जहाँ तक 57 क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किया ना, उसमें से जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे 40 तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी आया हुआ था। मैंने पॉलिटिकल साइंस के मेरे उसमें 6-7 क्वेश्चन, मतलब 6-7 नहीं कह सकता, 4-5 क्वेश्चन निकल गए थे और इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे और मैंने पिछले हफ्ते बाजीराव मस्तानी देख ली थी, पता आपको, तो उससे भी एक क्वेश्चन आ गया था। तो देखो मूवी देखना फ़ायदेमंद होता है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है? तो हाँ ऐसा कुछ गया हमारा एग्जाम, आप भी समझ रहे हो ना सब कुछ। कार्टून देखना, उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत अच्छी है मेरी बहन, है ना? मम्मी जी पेपर हाँ। तो दे आया था, पास हो जाऊंगा? हाँ, पास हो जाऊंगा। नहीं हुआ तो? नहीं हो जाओगे। पक्का? पक्का। मम्मी ने बोल दिया आप शायद से हो जाओ, लेकिन अटेम्प्ट तो ठीक ठाक करके आया था मम्मी। हाँ। नहीं हुआ तो अगली बार दे दूंगा। बुढ़िया पास हो गए तो हाँ, जो मेरी दूसरी सिस्टर थी ना वो पास हो गई। मुझे लग रहा था कि गाड़ी पलट जाएगी, है ना? नहीं पलटी है ना। चलो अच्छी बात है, पास हो गई। अगले क्लास में क्या पता क्या बनता है। वो भी पास हो जाएगी। नहीं हुआ तो अगली बार दे देंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है आजकल जॉब में। कंपटीशन क्या, पढ़ के जाना चाहिए, है ना? निकल जाता तो अगली बार और पढ़ के जाऊंगा, नहीं निकला तो, है ना? ज्यादा रात लग जाएगा। उन्हें मंगाया हुआ था अपना एक पार्सल, तो वो आ चुका, तो चलो अभी लेके आते हैं उसको। मैं फिर बताता हूँ आपको कि उस पार्सल में था क्या। फाइनली ये है हमारी नई चीज, तो चलो देखते हैं क्या मंगाया है हमने। अभी मैंने अपने लिए एक चीज मंगाई, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है? कागज चाहिए तो किस चीज की जरूरत है? नहीं, हमारी बुक। अरे शिपिंग करते टाइम इसका काम तमाम हो गया यार, साइड से मैंने कर दिया, ख़राब हो गई साइड से। दुख होता है अपनी किसी चीज़ को ऐसे देख कर। कोई नहीं, तो गाइस मैंने मंगाई है अपने पढ़ने के लिए एक नई बुक, लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। मतलब मुझे पढ़ने का बहुत मन होता है और मेरा मेजर भी पॉलिटिकल साइंस है, तो मैंने कहा क्यों नहीं ले लिया जाए इसको। और जिनका अगर मेजर पॉलिटिकल, ऐसे भी कोई भी पढ़ सकता है, बहुत अच्छी बुक है ये तो। हाँ इसमें कुछ 1500 पन्ने हैं, ये देखो इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है, तो इन सबको एकत्रित करना है मुझे, तो करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत अच्छी किताब है ये, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। रुको आपको पास से दिखाता हूँ मैं। तो ये कुछ किताब है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बहुत प्यारी बुक है, पढ़ेंगे इसको। डेडिकेटेड टू माई वाइफ। यार इसके पेज देखो कैसे हो गए, इन्होंने पता नहीं क्या यार, अमेजोन की शिपिंग सबसे बेकार है। 1.5 एक स्टार भी नहीं दूंगा इनको मैं पूरा, इतनी गंदी शिपिंग है इनकी, देख रहे हो ना कैसे हो गया। प्रॉपर तरीके से डाल तो दो कम से कम, फ्री में थोड़ी ना ले रहे पैसे दिए। हाँ मैंने यही बुक मंगाई है। चलो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तो आपसे ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यही मंगाया था मैंने, मुझे तो यही मंगाया, तो यही